प्लीज देखो सर, देखो एक छोटा सा टॉपिक है। मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स, या सिंपली मैं आपसे कहूं कि सर रियल नंबर्स हैं। एक्चुअली क्या है, अगर हम रियल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करें, प्लीज ध्यान से देखो, एक्चुअली कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि आसमान से आ रही है, जो हम पढ़ रहे हैं बस उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू कर दो तो आपको समझ में आने लगेगा। जब आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे परफेक्टली और आप उनको मिला दोगे कि देखो ये भी ऐसे हो रहा है, ये भी ऐसे हो रहा है, ये भी ऐसे हो रहा है, तो आप कहोगे कि इट इज़ ए रूल, तो वो रूल बन जाता है। जितने भी के सर ये न्यूटन्स लॉ हैं और ये कुलाम्स लॉ हैं, कुछ नहीं किया न्यूटन्स ने और कुलाम्स ने, उनको ऑब्जर्व किया और फिर उनको हर जगह देखा कि क्या हर जगह ऐसा हो रहा है। अगर हर जगह और यस इट इज़ ए रूल, ख़त्म। तो अल्लाह करे आप भी कुछ नया कुछ डिस्कवर करो, हम भी पढ़ें कि वो जो नालायक जिसको 10 बार मारा था, है जी, जिसकी 10 बार पिटाई करी थी, वो माशाल्लाह साइंटिस्ट है, उसके नाम की बुक छप गई है जी, कुछ करके देखो थोड़ा सा ऐसा। अब बताओ वीडियो पे सर मारने पीटने की बात कर रहे हैं तो पुलिस वाले क्या कहेंगे, सर कितना मारते हो आप, है ठीक है। चलिए खैर, तो हमारे पास क्या है, अगर आप रियल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करोगे तो आपके पास 3 तरह के डेसिमल्स आते हैं। भाई आपके पास नंबर्स कितने तरह के हैं, या तो ऐसे होगा, ठीक है, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, ठीक है, ये हमारे पास है 1, 1/2, 1/3। मैं आपसे कहूँ 1 कह लीजिए, 1/2 कह लीजिए, 1/3 कह लीजिए, या √2 कह लीजिए, इतने ही तरह के रियल नंबर्स हैं सारे। मतलब एक तो जैसा ये 1 द इंटीजर्स, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1.0, क्या लिख सकते हो 1.0। एक 1/2 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0.5। हम रियल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर उससे रूल्स निकालेंगे खुद ही, आपको खुद समझ में आएगा हुआ क्या। 1/3 को डेसिमल में करोगे सर तो सर रुकेगा तो है नहीं, ये चलता रहेगा बट रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि 0.3 बार इज रिपीटिंग। √2 को लिखोगे सर तो ये 1.414325798 व्हाटएवर जो भी कुछ होगा, बट इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। तो हमारे पास जो डेसिमल्स हैं वो 3 तरह के हैं नॉर्मली। एक वो जिनकी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई, एक वो कैलकुलेशन तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन एक हमारे पास पैटर्न मिल गया, एक पीरियड के बाद वो चीज़ रिपीट होने लगी, रिपीटिंग डेसिमल्स। एक वो जो ना सर टर्मिनेट हुए ना रिपीट हुए, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। अब इन यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, रूल अपने आप लिख दो, फिर आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि रूल था। इसे आप कहते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्या कहते हो सर, इसे आप कहते हो सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है सर, एंड रिपीट, और इसे आप क्या कहते हो सर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीट, क्लियर है सर ये बस। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो पहले 2 हैं वो सर है रैशनल, वो क्या है rational. और ये सर हमारे पास क्या है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा रैशनल नंबर होगा जिसका डेसिमल टर्मिनेट होगा, और कौन सा रैशनल होगा जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होगा। हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमने कहा यही आपके पास क्वेश्चन है, आपने कहा सर ये हमारे पास लिखा हुआ है 3/5, या सर हमने कहा कि नहीं सर हमारे पास लिखा हुआ है 8/15, या नहीं सर हमारे पास लिखा हुआ है 7/2, या हमारे पास लिखा हुआ है 13/40। आप कैसे देख के बता सकते हो कि सर ये टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, ये इनका जो अगर मैं डेसिमल में चेंज करूं तो इनमें से कौन सा डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, या कौन सा जो होगा नॉन टर्मिनेट और रिपीट होगा, ठीक है। मैं उल्टा कह रहा हूं कि सर आप मुझे ये बताओ कि जितने भी हमारे पास डेसिमल टर्मिनेट होते हैं, ये वाला हो चाहे ये हो हमारे पास, या हमारे पास ये हो 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8 व्हाटएवर, जितने भी हमारे पास डेसिमल टर्मिनेट वाले हैं उनकी एक ही प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, जैसे ही आप डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आएगा सर, आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा सर, आप डेसिमल हटाओगे, ठीक है सर, तो आपके पास क्या आएगा, जितने डेसिमल प्लेस हैं उतनी जीरो आ जाएंगे, यस सर नो, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जो डेनोमिनेटर होता है
वो 10 की पावर्स में होता है, 10 के मल्टीपल नहीं कह रहा मैं, 10 की पावर्स में होता है, ठीक है सर। जितने भी आपके पास टर्मिनेटिंग हैं, तो वो किस में होते हैं, वो 10 की पावर्स में होते हैं। अब इसको उल्टा करते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, ठीक है सर, अगर मैं उसको 10 बना दूं, एक तो ये है कि मैं इसको डिवाइड करूं 3/2 से, 2 से डिवाइड करूं, एक मैं करूं नहीं सर, मैं डेनोमिनेटर को 10 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो 10 बनाने की कोशिश ये है सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। जैसे मैंने यहां क्वेश्चन लिया था, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको 10 बनाना चाह रहा हूं, तो 10 बनाने के लिए मैं इसे क्या कर दूं सर, तो सर ये 6/10 हो जाएगा, तो सर ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है सर। इसे मैं 10 की पावर्स में करना चाहता हूं, सर होगा क्या, ये ध्यान से देख लीजिए, ये है सर 15, क्या है ये 15, 5 को तो मैं 10 कर सकता हूं या 10 की पावर्स कर सकता हूं, मैं 3 को नहीं कर सकता, तो 3 की वजह से ये 10 की पावर्स में नहीं आएगा, 10 के मल्टीपल्स में आएगा, किसमें आएगा, मल्टीपल की हम बात ही नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए या 10 की पावर्स चाहिए, तो सर इसको आप नहीं कर सकते। सर ये हमारे पास था तो ठीक है, इसे हम कर सकते थे सर, ठीक है सर, तो ये भी सर टर्मिनेट हो जाएगा। सर ये हमारे पास है 13/40, 40 सर होता है 2^3 और 5, 2^3 और 5, तो सर यहाँ को भी इसमें भी 10 की पावर्स में कर देते हैं, कि अगर हमारे पास 5 की पावर भी सेम हो जाए, भाई 10 तो तभी होगा ना, 5 × 2 = 10, तो आपके पास क्या हुआ 2^3 = 5, तो 5 का स्क्वायर ले लो, तो 5 का स्क्वायर यहाँ ले लो, 13/25 / 10^3, तो ये भी सर हमारा क्या हो जाएगा, क्यों भाई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप यही कह रहे हो कि या तो जिनमें नीचे 10 या 10 की पावर्स होती हैं वो टर्मिनेट होते हैं, या फिर जिनको आप 10 या 10 की पावर्स में कर सकते हैं वो टर्मिनेट होते हैं। सर समझ में आ गया, अब हम किसको 10 या 10 की पावर्स में कर सकते हैं वो समझ लीजिए। सर सीधी सी बात है, जिनके नीचे कोई नहीं है, जिनके नीचे कोई है ही नहीं कोई सर यहाँ पे हमारे पास, तो इसको आप लिख सकते हो 2.0। तो हो क्या रहा है, ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है, ठीक है। एक वो जिनमें हमारे पास सिर्फ 2 है उसको आप 10 कर सकते हो, एक वो जिसमें हमारे पास 5 है उसको आप 10 कर सकते हो, और एक वो जिनमें 2 भी है और 5 भी है, मान लीजिए ये, तो आप किस किस को 10 कर सकते हो, जिसकी जो डेनोमिनेटर है अगर उसमें 2 है तो 10 कर सकते हो, अगर 5 है तो 10 कर सकते हो, अगर दोनों है तो 10 कर सकते हो। तो यही हमारे पास रूल बन जाता है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है और उसका जो डेनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2^m और 5^n में है, वेयर, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, m एंड n आर 0, 1, 2, 3 आर होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट हो रहा है, या आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं क्योंकि 0 रह जाएगा, तो 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो m n जो है हमारे होल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है, m और n 0 हो सकते हैं, दोनों ही 0 हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि भाई दोनों ही 0 हैं, यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे 5 वाला 0 है, यहाँ पे 2 वाला 0 है, यहाँ पे दोनों है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जो सर किसकी फॉर्म में है, 2 और 5 की फॉर्म में है, जहाँ पे m जो है और n जो है वो 0, 1, 2, 3 है, तो इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्यों सर, भाई है तो ये रैशनल ही ना, तो अगर रैशनल है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड इरेशनल वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्लियर है। तो या तो टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज अ रैशनल, तो आपको तो सिर्फ ये चेक करना है कि टर्मिनेट कौन सा है। तो टर्मिनेट कौन सा होगा सर, टर्मिनेट होगा जिसके अब हमारे पास डेनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों, या दोनों ना हो, ध्यान रखना, बिकॉज इट इज 0। बाहर जाना है क्या तुम्हें, नहीं चले जाओ, 1,00,000 रुपए मिलेंगे अगर एक नंबर आ गया तो, और अगर घर वालों को बता दिया कि कहाँ गए थे कि 1,00,000 रुपए कमाने के, फिर शाम तक वहीं रहता, खाना तो मैं रात को दे दी थी तुझे, हैं सर सही है। तो ये अब देखो सीधे सीधे से क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के लिए हैं, ठीक है सर।
ये देखो सर, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। जी सर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्चुअली ऑल आर रैशनल, तो या तो टर्मिनेट करेंगे या नॉन टर्मिनेट और रिपीट करेंगे। आपको ये कह रहा है कि विदाउट डिवीजन आप चेक करके बताओ कि कौन सा टर्मिनेट है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, टर्मिनेट वो होगा जिसमें डेनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की पावर में होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स करने। तो ये हमारे पास है 3125, जिसके भी लास्ट में 5 है। आप वैसे तो फैक्टर करके चेक कर लोगे, 3125 को आप किससे करोगे सर, 5 से करोगे। 5 से करोगे 5 6 30, 5 2 5, 5 से करोगे 125, 5 से करोगे 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो 5 की पावर हमारे पास जो होगा 5 है। तो सीधी सी बात है, इसका जो फैक्टर है सर, 5 की पावर कितना है, 5। अगर 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर कितना है, 5। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n, सिर्फ इतना ही। तो इट इज टर्मिनेट, इट इज, इससे ज्यादा लिखना नहीं आपको, यस और नो बताना है। अगर 8 की बात करूं तो सर ये 2 की पावर 3 है, ठीक है सर, ये हमारे पास है। तो ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हो गया सर, टर्मिनेटिंग। अगर यहां आप देखोगे, मैं ध्यान क्या रखना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास है 455। अगर 455 को सर आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है सर, तो ये हमारे पास 5 आ गया सर, 5 से 9, 5 से 1, जैसे 91 आया सर, 7 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, तो फिर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये आप चेक कर सकते हो। इसमें जो एक क्वेश्चन है वो अच्छा वाला क्वेश्चन सर, ये वाला, ठीक है सर, 6/15 आपसे क्या कह रहा है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है कि सर आप ये बताओ कि 6/15 टर्मिनेट है या नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, अगर आपने बगैर सोचे समझे 15 को देख लिया, ठीक है सर, और आपने लिख दिया सर कि ये है हमारे पास 3 और 5, और यहाँ 2 और 5 की जगह 3 भी आ रहा है, और आपने लिख दिया नहीं सर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये गलत हो गया। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस में नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करो सर, तो ये क्या है सर, सर समझ में आ गया, तो पहले चीज। दूसरी चीज क्या है सर, आपसे कहता है कि सर आप जो है इसे, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आप इसे डेसिमल में चेंज करके दिखाइए, ये आपसे कहता है। तो जैसे हमारे पास यही था 13/3125, ठीक है सर, 13/3125, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ नंबर ऐसे आ जाएं और आपसे क्या इसे डेसिमल में चेंज करो, तो इसे आप सीधा सीधा 10 की पावर्स में लेके आओ। 5 की पावर्स तो पता चल गई हमें, 2 की पावर्स और चाहिए, तो 2 की पावर्स भी सेम लानी होती है, ध्यान रखना, जितनी पावर हाईएस्ट है उतनी पावर सेम करनी है। तो 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 भी लानी पड़ेगी। तो सर ये हो जाएगा 2 की पावर 5 आई थिंक 32, और ये हो जाएगा 10 की पावर 5, तो 32 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39, और 2 41, 416/10 की पावर 5, तो 5 प्लेसेस लगेंगे सर, कितने प्लेस, ठीक है सर, 416। ध्यान से देख लीजिए, आपसे ये भी कह सकते हैं आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस दिस नंबर विल टर्मिनेट, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दे दे, ठीक है सर, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस दिस विल टर्मिनेट, जो पहला क्वेश्चन अभी दिया बता। तो आपको हाईएस्ट पावर देखनी, क्योंकि आपको उतनी पावर करनी है, तो कितने प्लेस के बाद हुआ, ये बस सर सही है। तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछता है, या तो आपसे पूछेगा चेक करो कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, या फिर कहेगा डेसिमल में चेंज करो, या फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस दे देगा कि सर कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। क्लियर है सर, अगर आपसे कभी भी कह दे, आपसे कभी इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि सर हमारे पास है 13/5 × 5 की पावर 2, आपसे कह दे इसको डेसिमल में चेंज करो, तो मैंने आपसे क्या कहा है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 5 लानी है हमें, तो हमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। सर समझ में आ गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 5।
क्लियर है? लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, ये हमारे पास है सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड, शायद आप सबको पता होगा। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑफ क्यू, क्यू की बात कर रहा है ये हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, ये इसे घर तक ले जाए या पाकिस्तान तक ले जाए, अगर ये टर्मिनेट हुआ हुआ है तो फिर ये रैशनल है, यस और नो? वो चाहे रिपीट ना हो रहा हो लेकिन टर्मिनेट तो हो रहा है ना, तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या है सर, वो रैशनल। क्लियर है सर? यहां पे आप देखो जिसके ऊपर बार लग गया वो भी क्या है, रैशनल। अगर हमारे पास ये 1212 ठीक है आया, लेकिन फिर 20 फिर 30 फिर 40, तो फिर ये क्या हो रहा है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, एक तो ये क्या नहीं हुआ टर्मिनेट, एक ये रिपीट भी नहीं हुआ, तो ये क्या है सर, इरेशनल। अगर इरेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो उसका क्यू का हमें पता ही नहीं, छोड़िए। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है और ये है। हमसे क्या कह रहा था, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल, ठीक है सर, और नॉट। तो पहली बात तो आपने बता दिया, रैशनल रैशनल इरेशनल एंड ऑफ द फॉर्म, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर रैशनल है पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे तो वट यू कैन से अबाउट प्राइम फैक्टर्स, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आप क्या कहोगे, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, ये आप लिख दो सिंपल सी बात कि q इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यहाँ पे मैंशन कर देना वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है सर, और जहाँ ये दिया हुआ है आर नॉट इक्वल टू, बस इतना सा लिखना, यहाँ पे इस फॉर्म में है, यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं, इतना सा लिखना सर। क्लियर है? बस एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपसे कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ लेता है, एग्जाम में आया हुआ है। आपसे क्या कहता है सर, आपसे कहता है 0.35 बार को पी बाई क्यू में चेंज करिए, ठीक है सर, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, कह देगा सर 0.3 बार को पी बाई क्यू में चेंज करिए, आपसे कह देगा सर 2.56 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करिए, सर 1 मार्क्स के लिए आता है, कितने मार्क्स के लिए, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना मैं लिखवा रहा हूँ, सुन लीजिए कहानी। आपके पास क्या है देख लो इधर, सबके लिए 0.3 बार हो, 0.32 बार हो, 0.325 बार हो, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, आपसे क्या कहते हैं, नहीं सर 0.23 बार हो, 1 रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, आपसे कह दे 2.235 बार, लाइक दिस। कैसा भी आपको नंबर दे दे, सबके लिए एक ही रूल है, क्या करना है, द टोटल नंबर जो भी आपको दिया हुआ है माइनस, ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसमें से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा सर, नॉन रिपीटिंग को माइनस कर दीजिए, किसको, अपॉन, ठीक है सर, रिप्लेस, ठीक है सर, ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, रिप्लेस नॉट ऑल डिजिट, आफ्टर डेसिमल, ठीक है सर, रिपीटिंग डिजिट्स, रिपीटिंग डिजिट्स बाय 9 एंड नॉन रिपीटिंग बाय 0, ये रूल है सर, बस खत्म, कोई भी क्वेश्चन आप ले आइए। क्या मतलब है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज करो ये मेरे पास है सर इधर, तो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर 2235 माइनस नॉन रिपीटिंग, समझ में आ रहा है, अपॉन आफ्टर डेसिमल रिप्लेस रिपीटिंग डिजिट्स बाय 9 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बाय 0, ये आंसर है, बस खत्म, समझ में आ गया सर। यहाँ आपने डबल 9 क्यों लिखा, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं,
तो कितने 9 लिखूं? तो समझ में आ गया? कुछ नहीं करना। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ 0.3, तो सर सीधी सी बात है 3 माइनस कुछ होगा नहीं क्योंकि नॉन रिपीटिंग कुछ है नहीं, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 9। सर आंसर क्या है? सर समझ में आ गया? आपसे कह रहा 0.32 बार, तो 32 माइनस कुछ है नहीं सर, अपॉन दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं बस। सर सही है, कर सकते हैं। आपसे कभी क्या कहेगा, गलती से आपसे पूछ सकता है 0.3 बार 0.7 बार की वैल्यू बताओ, है जी, और हम 10 लिख के घर आ जाएंगे। हैं मैं सर, मैं तो यही सोच रही थी। ठीक है जी, तो क्या होगा सर, ये क्या होगा सर 3/9, ये क्या होगा सर, क्या होगा सर, तो समझ में आ गया? कोशिश कर लेंगे। तो सर ये हमारे पास था, अगर आप में हिम्मत रही तो कल इंशाल्लाह फिर क्लास करेंगे, कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कल, ठीक है जी। टाइमिंग